हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ परीक्षा भवन का दृश्य। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अप्रैल महीने की पहली तारीख थी, उस दिन हमारी वार्षिक परीक्षाएं शुरू हुई थी। परीक्षा शब्द से वैसे सभी मनुष्य घबराते हैं, परंतु विद्यार्थी वर्ग इस शब्द से विशेष रूप से घबराता है। मैं जब घर से चला तो मेरा दिल भी धक धक कर रहा था, रात भर पढ़ता रहा। चिंता थी कि यदि सारी रात के पढ़े में से कुछ भी प्रश्न पत्र में ना आया तो क्या होगा। परीक्षा भवन के बाहर सभी विद्यार्थी चिंतित से नजर आ रहे थे। कुछ विद्यार्थी किताबें लेकर अब भी उनके पन्ने उलट पुलट कर रहे थे, कुछ बड़े खुश खुश नजर आ रहे थे। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अधिक गंभीर नज़र आ रही थी। कुछ लड़कियां तो इसी आत्मविश्वास के कारण ही शायद हर परीक्षा में लड़कों से बाजी मार जाती हैं। मैं अपने सहपाठियों से उस दिन के प्रश्न पत्र के बारे में बात कर ही रहा था कि परीक्षा भवन में घंटी बजनी शुरू हो गई। यह संकेत था कि हमें परीक्षा भवन में प्रवेश करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा भवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। भीतर पहुंचकर हम सब अपने अपने रोल नंबर के अनुसार अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद अध्यापकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं बांट दी गई और हमने उस पर अपना अपना रोल नंबर आदि लिखना शुरू कर दिया। ठीक 9 बजते ही एक घंटी बजी और अध्यापकों ने प्रश्न पत्र बांट दिए। कुछ विद्यार्थी प्रश्न पत्र प्राप्त करके उसे माथा टेकते देखे गए। मैंने भी ऐसा ही किया। माथा टेकने के बाद मैंने प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था क्योंकि प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न मेरे पढ़े हुए या तैयार किए हुए प्रश्नों में से थे। मैंने किए जाने वाले प्रश्नों पर निशान लगाए और कुछ क्षण तक यह सोचा कि कौन सा प्रश्न पहले करना चाहिए और फिर उत्तर लिखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कुछ विद्यार्थी अभी बैठे सोच ही रहे थे, शायद उनके पढ़े में से कोई प्रश्न नहीं आया। 3 घंटे तक मैं बिना इधर उधर देखते लिखता रहा। परीक्षा भवन से बाहर आकर ही मुझे पता चला कि कुछ विद्यार्थियों ने बड़ी नकल की, परंतु मुझे इसका कुछ पता नहीं चला। मेज से सिर उठाता तो पता चलता। मैं प्रसन्न था कि उस दिन मेरा पर्चा बहुत अच्छा हुआ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरह ही मैं आप सभी को लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।